सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिसके मुख में तुलसी दल है उसको कितने पापों पाप उसके क्षमा हो जाते हैं, मनुष्य जन्म दोबारा मिल जाता है तुलसी महारानी की कृपा से। फिर भक्तों के घर में भगवान उसका जन्म दे देते हैं। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी का दल है मानो उसके लिए भगवान का द्वार भक्ति का रास्ता खुल चुका है। लेकिन ये तुलसी दल भी स्नातनियों के भाग्य में है, किसी और के भाग्य में नहीं है। इसलिए भाग्यशाली है वो लोग जिनका जन्म इस सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में हुआ है। दुर्भाग्य कहेंगे उन लोगों का, और दुर्भाग्य क्या, ग्रंथ न पढ़ने की सजा है जो दूसरे धर्मों में चले गए सनातन को छोड़कर। ग्रंथ न पढ़ने की सजा और सनातन धर्म के संतों का संग न करने की सजा उनको मिल रही है जो इतर संप्रदाय में भटक गए। और मैं लिख कर देता हूं, जिनको सनातन धर्म में कुछ नहीं मिला इसका मतलब संसार संस्कारहीन है। ऐसे लोग किसी भी धर्म संप्रदाय में चले जाए खाली हाथ रहेंगे। हाँ, लोभ में आकर के उनके मकान बन सकते हैं, लोग धन का लोभ देकर के सनातन से दूर करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, धन के पीछे, संसारी लोभ के पीछे तुम सनातन धर्म से नहीं भगवान से दूर हो रहे हो। और भगवान से दूर होने का दंड मिला करता है नरकों की प्राप्ति। ये फूटी कोड़ियां कहीं तुमको दूसरे संप्रदाय वालों ने दे दी लोभ में, और धर्म परिवर्तन तुमने कर लिया तो तुमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। अब तुम तुलसी दल के लिए तरसोगे, गंगा जल के लिए तरसोगे, तुम्हारी हड्डियां भी गंगा जी में नहीं जाएंगी, संतप्त रहोगे और फिर पछताओगे सिर धुन धुन करके, हाय हमने ये क्या कर दिया। जिन फूटी कोड़ियों के लिए हमने धर्म परिवर्तन किया था, ये भी तो कोड़ी फूटी भी हमारे साथ नहीं गई, और ये हमने क्या अपने साथ किया, पछताओगे। इसलिए जो गलती से चले गए, इधर उधर बिखर गए, सब वापिस आ जाओ। यदि अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, और मरने के बाद पितर तो बनोगे, चाहे तुम पितर लोग को मानो चाहे मत मानो, तब भी अगर पितर बन गए तो पिंड दान भी श्राद्ध भी तुमको नसीब नहीं होगा। वही श्वासों से गर्म पानी करके पीते रहना। और जो सनातनी जो पितर बनेगा, हर व्यक्ति पितर नहीं बनता, जो भक्त होते हैं उनके लिए तो भगवान ने कहा, गीता में भगवान ने कहा, उनका यदि वो भक्ति में पूर्ण है मेरे धाम में आएंगे, यदि अधूरे हैं थोड़े दिन स्वर्ग सुख ले लो और फिर तुम्हारा जन्म मनुष्य लोक में, वो भी मनुष्य के रूप में, वो भी श्रीमताम गृह सज्जनों के घर में, भक्ति बचपन से जहां वो करेंगे ऐसा उनको लाभ प्राप्त होगा। तो सनातनी भक्ति में पूर्ण है, भगवत धाम में अधूरे हैं डायरेक्ट जन्म। लेकिन फिर भी सनातनी कोई है भक्ति नहीं की, मान लो किसी कारण से पितृ योनि में भी चले गए, पितृ बन गए, तब भी उनके लिए वहां आनंद है, क्योंकि पितरों को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि पितृ योनि भोग योनि नहीं है, ना वहां सुख है ना वहां दुख है। नींद के समय जैसी आपकी स्थिति है, पितरों की स्थिति हर समय होती है, बस अंतर है वो उनको तृप्ति होती है जो सनातन धर्म से गए हैं पितृलोक में, क्योंकि उनके यहां जय पिंड दान श्राद्ध तर्पण आदि होते हैं, इसलिए उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो उनके घर वाले ही उनको वहां सुख देंगे, बाकी अर्यामा की तरफ से पितरों को ना कोई सुख मिलता है ना कोई दुख, क्योंकि पितृ योनि भोग योनि नहीं है। स्वर्ग में तो भोग मिलता है सुख, और नरक में दुख मिलता है, लेकिन पितृलोक में ना सुख ना दुख, जैसे नींद में ना सुख है ना दुख है। तो ये शांत अवस्था पितृलोक की है, लेकिन तृप्ति उनको एहसास होता है जब उनके नाम से यहाँ दान पुण्य किया जाए, ब्राह्मण भोजन किया जाए, श्राद्ध तर्पण किया जाए, गौ माता की सेवा की जाए, तब उनको तृप्ति का अनुभव होता है। लेकिन जो दूसरे धर्मों के लोग जो पितर बनते हैं उनको तृप्ति का अनुभव नहीं होता, उस समय वो गर्म पानी श्वासों से करके पीते हैं, बस उससे उनको थोड़ा तसल्ली होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती।